नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। झालावाड़ जेल में बंदी राजेंद्र की तबीयत खराब होने पर उपचार के दौरान हुई मौत। मामले में परिजनों एवं वाल्मीकि समाज के लोगों ने अस्पताल से मृतक राजेंद्र का शव लेने से इनकार कर दिया। झालावाड़ मिनी सचिवालय में नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नाजायज मारपीट करने वाले जेल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं हत्या का मुकदमा दर्ज करने, उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि मृतक राजेंद्र परिवार को ACIM कोर्ट झालरापाटन द्वारा तारीख पेशी पर नहीं जाने के कारण जेल JC में भेजा गया, जहां पर जेल प्रशासन ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। मारपीट इस प्रकार की कि उसकी मृत्यु कारित हो गई। झालावाड़ अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों का आरोप है कि राजेंद्र पवार के नाक मुंह हाथ पैर में गहरी चोट थी, नाक मुंह में खून आ रहा था। जेल प्रशासन ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की है जिससे उसकी मौत का कारण बनी। उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा, हरिजन अत्याचार निवारण के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाया जाए। मामला है क्यों हुआ? ये है सर, 7 साल पुराने वारंट मामले में वाल्मीकि समाज के हमारे भाई राजन वाल्मीकि को उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वो स्वस्थ था, स्वस्थ मेडिकल वो जब उससे पेश किया गया तो वहाँ से JC जज साहब ने, जब वहाँ गए जाते हैं तो पहले मेडिकल मुआयना होने के बाद ही जेल में अंदर करते हैं। जब वो स्वस्थ था उसके बावजूद तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती? जब परिवारजनों ने सबने उसके शरीर को देखा तो शरीर पर निशान हो गए, तो ये बड़ा संदिग्ध मामला है और हम जेल प्रशासन को पूरा परिवार समाज निंदा करता है और जेल प्रशासन की पूरी इसमें मारपीट हुई, इसके साथ मारपीट हुई है, उस पर निशान हो रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई अब क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड ये है कि जो परिवार जो घटना हुई है वो तो हो नहीं सकता, वापिस आ नहीं सकता, और इस परिवार को जो मुआवजा मिले, और एक परिवार में सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए परिवार को मुआवजा, इसको लेकर आज क्या कर रहे हो आप? आज जिला कलेक्टर और SP मैडम को ज्ञापन देना है, जिला प्रशासन के ऊपर जो भी लोग इस पर लिप्त हैं दोषी कर्मचारी है, पुलिस अधिकारी है, उन पर कार्रवाई हो और इनको जो परिवार को जो मुआवजा मिले वो उचित जल्द से जल्द। अगर प्रशासन आपकी मांगों को नहीं मानता है तो अगर मांगे नहीं मांगे तो हम बोर्डिंग भी लेंगे, बोर्डिंग लेंगे और प्रदर्शन भी करोगे? प्रदर्शन भी करेंगे, आगामी जलाउड में डाउन भी कर सकते, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है झाड़ू, वो झाड़ू डाउन भी कर सकते, सफाई बंद हो जाएगी। और पुलिस का नाम मिथुन कुमार है, झाझा पाटनगर रहवासी हूँ मैं। मेरा भाई छोटा वाला सोमवार को थाने में से उसको अदालत में पेश किया, अदालत में ले जाया, बाद में उसको जेल में कर दिया था। और जब वो जेल में गए, जब स्वस्थ था, उसको ठीक ठाक था, अब जेल में जब उसको लेकर आए तो हमारे को यहाँ झालावाड़ लेकर आए, बताया उसको अस्पताल में मंगलवार को रोज, और हमारे पास कोई जेल से भी ना तो कोई सूचना नहीं, थाने वाले से कोई सूचना नहीं थी सर हमें। और जब मैं आया, जैसे आकर मेरे हमारे कोई नगर पालिका कोई स्टाफ था जो कोई उसकी लेकर गया होगा, जो उन्होंने देखा ना, तो उसने मेरे पास फ़ोन लगाया 2:45 बजे। जैसे मैं 2:45 बजे नगर पालिका गया, नगर पालिका मेरा अंकल है दीपक जी SI साहब, जो उन्होंने की कि बेटा तू पहले झालावाड़ जा, जो झालावाड़ आके देखा सर मैंने, तो मेरे भाई की मौत हो चुकी थी सर, और ना तो जेल से कोई हमें मालूम पड़ा। ये कोई बीमार तो नहीं रहता ना सर? जेल प्रशासन के लेकर स्वास्थ्य गया ना, स्वास्थ्य गया और उस पर लग रहे सर उसके चोट के निशान है सर उसके, और अदालत ने भेजा उसे स्वास्थ्य, अदालत ने भेजा सर उसको स्वास्थ्य, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसके। तो क्या लगता है आपको कि जेल ने प्रशासन ने कुछ हुआ सर उसके साथ? जेल में कुछ जेल में नहीं, उसके साथ में मारपीट हुई है, पुलिस थाने में हुई है, जेल में मारा नहीं जाता है किसी को। और ना तो हमारे को जेल से भी कोई सूचना थी, ना थाने से सूचना है कि तेरा भाई को यहाँ लेकर 9-10 बजे करीब लेकर आए, बताए सर इसको यहाँ झालावाड़ अस्पताल में, और हमारे पास कोई सूचना भी नहीं थी इनकी तरफ से भी। और जब जैसे मेरे भाई को आकर देखा ना मैंने, तो उसकी बिल्कुल ही उसकी लाश मिली सर हमें, उसकी डेट उची थी सर। तो आप क्या करना चाह रहे हो? हम ये करना चाह रहे हैं सर, हमें न्याय मिले, जिसमें जो दोषी है जेल के अंदर, जिसने उसको मारपीट किया क्या करा उसके साथ, वो हमें न्याय मिले सर। तो इसके लिए आज सड़कों पे उतरो, बिल्कुल सर, झाड़ भी छोड़ सकते, आंदोलन करेंगे सर इसके लिए। और ये ज्ञापन देना है सर, ज्ञापन देना है इसलिए कि जेल प्रशासन जेल के अंदर उसके साथ मारपीट हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, मालूम ही नहीं पड़ रही सर हमें। जब देखा हमें तो अस्पताल में उसके लग रही थी सर, छोटे छोटे आ रही थी उसके, और जेल की तरफ से हमें कोई फोन भी नहीं है, ना जेल से आया, ना थाने से आया, ना यहाँ चौकी है, ना झालावाड़ अस्पताल, वहाँ से भी कोई ने फोन। तो जब लेके गए होंगे आपके सामने तो लेके होंगे? वो लेके था ना सर, लेके बात की थी, याद है सर, जब तो स्वस्थ गए, एकदम ठीक ठाक था सर, बढ़िया गया, कम्प्लीट होकर गया, बोल के गए हमसे। तो थाने के बाद अदालत में पेश करा उसे, तब भी स्वास्थ्य था वो अदालत में। हेमराज जी है पुलिस वाला, झालरा पाटन में रहते, आप चाहते हो तो उनसे भी पूछ सकते हो, वो खुद लेके गए थे जेल में, छोड़ गए जब स्वस्थ था एकदम ठीक ठाक। जेल में ही मारपीट हुई? जेल में मारपीट हुई सर उसके साथ।